हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। काफी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था, काफी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि इस बार का आसाम टेट होने वाला है कि नहीं। ये एक बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। पहले आप वो क्लिप को अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप आई होप आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 23 তারিখে আমি নিযুক্তি প্রদান করার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। না, শিক্ষকর খালি পদ কিছু থাকিব, এই কারণে যে যুহেত দুহা আমি গোটেইখিনি শিক্ষকর নিযুক্তি আমার খালি পদ আমি সম্পূর্ণ করিব নোৱাৰিলো বিভিন্ন কারণত। এতিয়া আমি কারণখিনি ফহিয়াই চাই আছো, এতেকে কারণ সমূহ ফহিয়াই চাই তাত কিবা সমাধান করিব পারি নেকি এই কথাটো অধ্যয়ন করি লৈ আমার পুনর বিজ্ঞাপন আমি প্রকাশ করি। तो आई होप इसी से आपका पूरा क्लियरिफिकेशन हो गया कि यस, असम टेट आ रहा है। आज नहीं तो थोड़ा दिन पहले, शायद हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद इसका प्रोसीजर हमारा शुरू हो जाएगा। और हमारा ऑनरेबल एडुकेशन मिनिस्टर सर ने यह भी बताया कि इसका जो प्रोसीजर और इसका जो है इसका मतलब पोस्टिंग तक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और कल जो आपका मीडिया क्लिप जो हमारे सीएम सर ने ये चीज बोला कि अगले 6 महीने के अंदर जो पेंडिंग जो 50,000 पोस्ट है उसको पूरा वन टाइम वो फिलअप करने वाले हैं। तो मैं ये ऐसे सोच के चल रहा हूँ कि ये जो अगला आने वाला जो 50,000 जो वैकेंसी है इसको फिलअप करने के लिए कम से कम जो 15 सितंबर के पहले, आई गेस 14 सितंबर में एडुकेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि नियर अबाउट 10,000 वैकेंसी आने वाला है आपका एडुकेशन डिपार्टमेंट में। तो शायद ये हो सकता है कि वो जो 10,000 वैकेंसी उन्होंने बोला था वो 10,000 वैकेंसी आपका इसी 50,000 के अंदर पे वो ऐड कर दे, ऐसा हो सकता है। जिसका प्रोसीजर अगला 2-3 महीने में अंदर में वो खत्म करा देंगे, क्योंकि ये 1 लाख जॉब को लेके वो कितना फास्ट प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल ही रहा है, उससे पहले 24,000 दे दिया, अभी और 12,000 अगले मतलब 3-4 दिन में दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये चीज बोल रहे कि अगला 50,000 भी हम अगला 6 महीने के अंदर वो खत्म करा देंगे। तो मैं आपको ये चीज यहाँ पे आपको सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। काफी सारा स्टूडेंट्स का ये चीज काफी डाउटफुल है। डाउटफुल ये है कि वो प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करे या ना करे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे, वो डाउटफुल में है। मैं उनके लिए ये चीज आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, अप्लाई करते हैं 6-8 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे और वैकेंसी रहेगा 10,000। अगर आप नोटिफिकेशन आने तक का अगर आप वेट कर रहे हो तो आप अगर वेट कर रहे हो तो बाकी आपके साथ में और 6 लाख बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का वही रहने वाला है। वैकेंसी तो आप 6 लाख जाएगा नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो मैं ये चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। चाहे हमारा आसाम टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है, चाहे हमारा डीएचएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर चाहे एपीटीसीएल हो सकता है, अगला आने वाला फॉरेस्ट का भी आ सकता है। कोई भी वैकेंसी, कोई भी नोटिफिकेशन हो, इसका एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन हमारा वेस्ट तो जाएगा नहीं। अगर हम आसाम टेट अगर मैथ से स्टार्ट करेंगे, आसाम टेट नोटिफिकेशन 1 महीने बाद भी आया तो क्या फर्क पड़ता है। अगला अगर आप एपीटीसीएल आया या फिर फॉरेस्ट का आया या फिर डीएचएस का एग्जाम आया, जो भी आएगा उसका प्रिपरेशन उसी में आपका हेल्प हो जाएगा। तो मैं ये चीज आपको बोलूंगा, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आसाम डायरेक्ट का रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा। वैसे भी हमारे सीएम सर ने बोले कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में उन्होंने बोला कि अभी 23 को मॉर्निंग को उनका स्पीच रहेगा। वो अपने स्पीच में वो बताएंगे कि Grade 3 और Grade 4 का कब रिजल्ट होगा, वो डेट अनाउंस करेंगे शायद। तो आप 23 का मॉर्निंग तक आप वेट कीजिए। और हम ऐसे मान के चल रहे कि 23 मॉर्निंग को जो वो अपना स्पीच रखेंगे वहां पे एक बहुत एक अच्छा और बड़ा अनाउंसमेंट हमें मिलने वाला है। बहुत एक एक्साइटमेंट है उनका स्पीच हम सुनने के लिए, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे वो चीज बोलेंगे। अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है, अगला नोटिफिकेशन क्या आने वाला है, इसके बारे में वो पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट्स के लिए एक नया एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया। काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने ये चीज डिस्कस किया, उनको ये चीज बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अभी हमारा आसाम टेट का भी क्लास चल रहा है, हमारा डीएचएस का भी क्लास चल रहा है, एसएससी का भी चल रहा है, हमारा मल्टीपल बैचेस में क्लासेस चल रहा है। स्टूडेंट हर जो भी नोटिफिकेशन आएगा ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन वही के वही रहने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने बोला नोटिफिकेशन आने तक आप एक रजिस्ट्रेशन में आप क्लास करेंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसी नोटिफिकेशन में हम बैच को डायरेक्ट हम शिफ्ट करा देंगे। उसके लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज किसी स्टूडेंट्स ने अगर आपका एसएससी के लिए एसएससी का तो एग्जाम चली मतलब अप्लाई चल रहा है, आप उसको पहले अप्लाई कर लीजिए।
कोई स्टूडेंट्स अगर एसएससी के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर डीएचएस का एग्जाम रूटीन आ गया या फिर असम टेट आ गया या फिर आपका एबीडी से लिया फॉरेस्ट कोई भी आ गया हो, तो हम फिर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उसी रजिस्ट्रेशन से हम डायरेक्टली वहां पे उनको वही बैच में हम डायरेक्टली शिफ्ट करा देंगे। इसका क्या कारण है? एक तो यह कि आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा, आपका प्रिपरेशन ब्रेक नहीं होगा। आप बोलेंगे सर खुद से कर लेंगे, खुद से नहीं होता, पीछे से अगर पुश नहीं रहेगा, एक मोमेंटम नहीं बना रहता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये टिक लगता है तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस टाइम पे देखा जाएगा, लेकिन हम ब्रेक नहीं लेंगे। मैं तो ये चीज आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन हाँ असम टेट जरूर आएगा, आप इसके लिए प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अभी अगर ये वाला एक 50% तो हमारा 1,50,000 ऐसे तैसे करके चला गया और बाकी है हमारे पास 50,000, तो अगर उस 50,000 के लिए अगर हम सीरियस नहीं रहेंगे तो एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे से मिस हो जाएगा। तो मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल एक नोटिफिकेशन पक्का आना है। हम प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करेंगे। आज ऐसा पहली बार हमारा ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट मतलब नोटिफिकेशन आने तक का वेट नहीं करते, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। जो जब नोटिफिकेशन जब उस टाइम पे आएगा देख लेंगे, कंटिन्यूशन हम करेंगे अपना प्रिपरेशन का। तो वही एक बिग अनाउंसमेंट लेके हम आपके सामने आए थे। आई होप ये वाला पूरा मतलब चीज आपके साथ पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और हमने और भी एक अनाउंसमेंट करना था कि उन स्टूडेंट्स काफी पूछ रहे थे कि अभी हमने आपका जैसे पूरा हमने आपको पूरा रीजनिंग करा रखा है, तो आप हमारा रीजनिंग सीरीज देख सकते हैं। हमने आपको मैथ सीरीज करा रखा है, आप हमारा मैथ सीरीज से भी फ्रीली पूरा कवर अप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मतलब ऑनलाइन क्लास में ही आके करना, आप यूट्यूब से भी कवर अप कर सकते हैं। हमारा जीएस सीरीज भी हमारा करा रखा है, प्रीवियस ईयर भी हमने करा रखा है, आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट करके वो सारा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने यह भी बोला कि अभी जो एकेडमिक के साथ कॉम्पिटिटिव जो आपका क्लासेस हो रहा है या फिर जो एग्जाम वगैरह हो रहा है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस नेशनल से पूछा जा रहा है, तो आज से हम एक नेशनल का सीरीज अलग से हम डाल रहे हैं, जो कि आपका एसएससी एपीएससी डीएचएस और सारा एग्जाम कवर अप हो जाएगा। तो नेशनल प्लस स्टेट को लेकर फिर से हम अलग सा एक सीरीज चलाने वाले हैं। आप आई होप पहले वाला सीरीज को आपने जितना प्यार दिया है इसको भी आप ऐसे ही प्यार देंगे, ताकि अगला आने वाला प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में हम रहे, चाहे हमारा रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, जो भी कंटिन्यूएशन में हमारा होगा वो चलता रह जाएगा। तो वही एक बिग अनाउंसमेंट लेके हमने आपके सामने आने के लिए सोचा, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था, सोचा कि मैं आपको पूरा ये चीज पूरा क्लियरली बता दूं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि अगले आने वाला वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए सर मैं आपसे विदा लेता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।